हे भगवान, ये लोग तो सब भूल चुके हैं, सब कितने गुस्से में थे और अब किसी को कुछ भी याद नहीं, सब कितने खुश लग रहे हैं। तेरे अभी नहीं होंगे, मतलब ये कि ये शादी नहीं हो सकती। कन्यादान करने वाले तो पहले ही भाग चुके हैं और अब पंडित जी का भी कुछ आता पता नहीं, कैसे करवाएंगी आप शादी? भाभी, हम सबको अंश की चिंता है, इसीलिए कह रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के शादी करवाना बेवकूफी है। शूटिंग में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब भी आसपास होती है भाई भाई अजीब बिहेव करता है। भैया का ऐसा रूप हमने पहली बार देखा था और जिस वक्त ये हुआ रूबी वहीं थी। वैदेश्वरी, तुम नीचे कहे आ गए जी, आराम करना चाहिए था ना। वो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना तो। हाँ भाई, अब इतनी सेवा करने वाली बहू जो आ गई है। क्या अब आपका आंश सिर्फ मेरी सुनेगा? आंश चुप। पता है भाभी, जब से आप बेहोश हुई थी ना, तब से लेके अब तक तू भी आप ही के पास बैठी हुई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सच, बहुत खुश किस्मत है हम जो इतनी अच्छी और सेवा करने वाली बहू मिली। बच्चे को बचा लो रुके। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, वो बस तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई ना, इसीलिए शायद। इसीलिए तो कह रहा था कि आराम करना चाहिए था। इतने दिन से बेटी की शादी के लिए भाग दौड़ कर रही थी, जब शादी हो गई है तो आराम कर लो जी। कैसे आराम कर लूं, जब डायन मेरे घर में बहू बन के आ चुकी है। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है बंधु, कामयाब कब होगी? बंधु, जब हर कोई कमा कर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा, सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी, आज से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मुझे तो लगता है भाभी थकान की वजह से नहीं, खुशी के मारे बेहोश हो गई थी। भाई, बेटे की शादी जो हुई है। वैसे सच कहूं चैताली, तो मुझे भी कुछ ठीक से याद नहीं है कि शादी कब हुई। दिन भर इतनी चिंता में घिरे रहे कि आखिरी के पलों का कुछ होश ही नहीं रहा। याद तो मुझे भी नहीं है। चलो रुक रुक के सही, शादी तो हो गई। आप लोग कहाँ थे? भाभी, ये लोग यही थे जब हमें ढूंढ रहे थे, तब ये लोग गाड़ी से गिफ्ट लेने के लिए गए थे। वैसे हमें आप लोगों को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन हम लोग झिझक गए थे। कैसे बताते कि उन दिनों रूबी का दिमाग सिर्फ ब्यूटी और फैशन कॉन्टेस्ट में ही था, इसलिए वो फेल हो गई। फिर हमने उसे देहरादून से वापस बुला लिया और मुंबई में दोबारा एडमिशन करवाया। आप सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग अपने एसीपी भाई अविनाश के बारे में बात कर रहे थे। अगर इसका बस चले ना, तो ये तो गड़े मुर्दों को दिखाड़ कर उसे तहकीकात शुरू कर दे। एक्चुअली अंकल, गलती मेरी है, मुझे आप सबको पहले ही सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं आप सब क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने। पर अब तो हम सब फैमिली है ना, अब हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, है ना सासू माँ? वो
एकता वंश है और मैं एक टाइम दुनिया की कोई भी ताकत अब एंज को मेरे कंट्रोल से नहीं निकाल सकती। वैसे सासुमा बहुत ही ओल्ड फैशन साउंड करता है, नहीं? क्या मैं आपको मम्मी जी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम वैदिश्री को मम्मी जी बुलाना और मुझे भी अंकल नहीं पापा बोलना है ना। वैदिश्री, मेरे ख्याल से हमें मंदिर निकलना चाहिए। मंदिर? हाँ, मतलब तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद मंदिर में पूजा करनी है। भाभी, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? कुछ नहीं। भाई साहब, मुझे लगता है भाभी को आराम करने देते हैं, हम ही पूजा करके आते हैं। हाँ, अब ये भी सही रहेगा, मैं तो पहले ही कह रहा था। वैदिश्री, हम लोग मंदिर होके आते हैं। तुम ठीक हो ना जी? पक्का? अविनाश शेताली, आप आराम कीजिए ना सासू माँ, मैं सब संभालूं। मैं हूं ना आपकी सुशील बहू।